के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में डीएम और एसएसपी ने किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रवि गन हाउस के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट शस्त्र विभाग के बाबू समानांतर शस्त्र विभाग चलाकर करते थे गोरख धंधा। पूर्व लिपिक अशोक गुप्ता, वर्तमान लिपिक राम सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर अजय गिरी गिरफ्तार। डीएम ने कहा सभी दोषियों पर लगेगा रासुका। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माण कार्यों एक जिला एक उत्पाद व निराश्रित गौवंश योजना के मंडलीय समीक्षा बैठक। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के वेतन रोकने के दिए निर्देश। कहा निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ करें पूरा। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक। लंबित मुकदमों को समय अनुसार निस्तारण के दिए निर्देश। सदर सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने किया रामगढ़ ताल झील की साफ सफाई। कहा पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहा है गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन एवं अन्य विभागों की मासिक समीक्षा बैठक। राजस्व वसूली बढ़ाने से भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सरस्वती शिशु मंदिर के संस्थापक नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा की मनाई गई 20वीं पुण्यतिथि। अतिथियों ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। ब्रह्मलीन मान दिग्विजयनाथ की 50वीं व ब्रह्मलीन मान अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। मुहर्रम की 6वीं तारीख को मेमाड़ा स्टेट के गद्दी नशीन अदनान फर्रुख अली शाह मियां साहब ने निकाला गश्ती जलूस। फातिहा पढ़कर पूरे परिसर का किया गश्त। पुरखों की कब्रों पर भी किया सजदा। शहर के विभिन्न पंडालों में स्थापित की गई आकर्षक गणेश प्रतिमाएं। शहर की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा पर बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चारों ओर गणपति पप्पा मोरिया की हो रही है गूंज। 7 माह के वेतन भुगतान के लिए जिला अस्पताल की नर्सों ने किया जिलाधिकारी से मुलाकात। 2 दिनों में वेतन भुगतान का मिला आश्वासन। और जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन जेसी सप्ताह का करेगा आयोजन। साप्ताहिक कार्यक्रम में किए जाएंगे विभिन्न प्रकार के आयोजन।